नमस्कार, मैं प्रिया। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। 11 शहरों के 325 परीक्षा केंद्र पर होगी बीएड की परीक्षा। डायल 112 का ट्रायल हुआ शुरू। शिक्षा विभाग ने 42,000 नियोजित शिक्षकों के वेतन भुगतान का दिया निर्देश। पीएम का सपना पूरा करने में साथ देंगे मुख्यमंत्री। हार्दिक पांड्या के भारतीय टीम में रोल को लेकर द्रविड़ ने दिया बयान। अब चले बढ़ते हैं बिहार की शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। 11 शहरों के 325 परीक्षा केंद्रों पर होगी बीएड की प्रवेश परीक्षा। दो वर्षीय होने वाली बीएड के लिए आयोजित होने वाली प्रवेश परीक्षा नजदीक आ रही है, जो कि 23 जून को होने वाली है। इसके लिए राज्य के 11 शहरों में कुल मिलाकर 325 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। इन केंद्रों पर 191,929 सीईटी बीएड अभ्यर्थी प्रवेश परीक्षा देंगे। बीएड की प्रवेश परीक्षा 23 जून को सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक प्रवेश परीक्षा का आयोजन किया गया है। संयुक्त प्रवेश परीक्षा के लिए 191,929 अभ्यर्थियों ने ऑनलाइन आवेदन जमा किए हैं। इनमें 97,718 महिला और 94,211 पुरुष अभ्यर्थी शामिल है। प्रवेश परीक्षा के लिए राजधानी पटना में सबसे अधिक 77 परीक्षा केंद्र तो छपरा में सबसे कम 14 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। डायल 112 का ट्रायल हुआ शुरू। अब एक डायल में पुलिस, फायर, एम्बुलेंस और ट्रैफिक सेवा सभी मौजूद रहेगी। मालूम हो कि बिहार में डायल 112 की शुरुआत होने वाली थी, जिस पर कॉल करने से आपको पुलिस, फायर, एम्बुलेंस और ट्रैफिक की इमरजेंसी सुविधा मिल सकती है। और अब इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम डायल 112 के ट्रायल की शुरुआत हो चुकी है। इसे राजधानी पटना से शुरू किया गया है। अब लोगों को इमरजेंसी होने पर दूर नहीं जाना होगा, बल्कि उन्हें सिर्फ एक डायल में ही पुलिस, फायर, एम्बुलेंस और ट्रैफिक से जुड़ी सेवा मिल पाएगी। इसके लिए शहरी क्षेत्र में 30 इमरजेंसी रिस्पांस गाड़ी दौड़ रही है। इन गाड़ियों में जीपीएस और रेडियो जैसी कई सुविधाएं भी है। डायल करने के बाद ये गाड़ी घटनास्थल पर 15 मिनट में ही पहुंच जाएगी। छोटी दूरी के लिए यहां से जल्द ही हवाई सेवा होगी शुरू। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में अब छोटी दूरी के लिए हवाई सेवा जल्द ही शुरू होने वाली है। आपको बता दें कि मुजफ्फरपुर से रांची, बनारस, लखनऊ, कोलकाता और गोरखपुर समेत 500 किलोमीटर के दायरे में आने वाले शहरों के लिए यहां से विमान सेवा शुरू करने की तैयारी चल रही है। वहीं औसतन 2500 रुपए तक के किराए में शहरवासी 500 मीटर तक के दायरे वाले शहरों से आ जा सकेंगे। इसके लिए नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से मुलाकात कर लौटे पूर्व नगर विकास एवं आवास मंत्री सुरेश कुमार शर्मा ने ये जानकारी दी। मुजफ्फरपुर में पूर्व मंत्री ने कहा कि पता ही हवाई अड्डे से भी छोटे विमान जल्द उड़ान भर सकेंगे, इसके लिए मंत्रालय ने पहल कर दी है। अगले 2-3 दिनों तक झेलनी होगी सूरज की तपिश। बिहार में लगातार सूरज की तीखी किरणों ने गर्मी बढ़ाई हुई है। इस वजह से प्रदेश के अधिकतर जिलों में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी देखने को मिल रही है। ताजा अनुमान के मुताबिक अगले 3 दिनों तक ऐसे गर्मी से राहत मिलने की कोई उम्मीद नहीं है। मौसम विभाग की माने तो इन दिनों बारिश के आसार कम है। खासकर राजधानी पटना सहित दक्षिणी भाग के अधिकतर जिलों में सूरज की तपिश का सामना करना पड़ सकता है। मौसम विभाग के अलर्ट के मुताबिक बिहार के उत्तरी भाग, मधुबनी, दरभंगा, अररिया, किशनगंज, सहरसा, मधेपुरा, पूर्णिया, कटिहार, गोपालगंज, भागलपुर, सीतामढ़ी, बेतिया और मोतिहारी में 10 जून तक मेघ गर्जन और बिजली कड़कने की आशंका है। अन्य जिलों में सूरज की तल्खी बरकरार रहेगी। पीएम का सपना पूरा करने में साथ देंगे मुख्यमंत्री। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को देखते हुए केंद्र सरकार के साथ साथ नीतीश सरकार भी आने वाले समय के लिए पहले से ही सोच कर बैठी है। इसके लिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को साल 2030 तक पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिलाने का सपना पूरा करने में पूरा साथ देगी। दरअसल बीते दिन एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने राज्य में इथेनॉल बनाने को लेकर कहा कि बिहार में इतना इथेनॉल बनाया जाएगा कि आने वाले समय में देश भर में इसकी कमी नहीं होगी। नीतीश कुमार ने कहा कि बिहार में काफी तादाद में मक्का फसल होती है, जो इथेनॉल बनाने के लक्ष्य को पूरा करेगी। एक आईएएस अधिकारी का तबादला, वहीं दो को मिला अतिरिक्त प्रभार। एक बार फिर से बिहार सरकार में एक आईएएस अधिकारी का तबादला कर दिया गया है, तो वहीं दो अधिकारियों को अतिरिक्त प्रभार दिया गया। प्रमंडलीय आयुक्त मगध प्रमंडल गया को विशेष कार्य पदाधिकारी विपार्ड का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया, जबकि किशनगंज के बंदोबस्त पदाधिकारी किशोर कुमार प्रसाद का तबादला किया गया। किशोर कुमार प्रसाद अगले आदेश तक सामान्य प्रशासन विभाग पटना में संयुक्त सचिव के पद पर बने रहेंगे। बिहार पुलिस बनाने जा रही है विजन डॉक्यूमेंट 2047। बिहार पुलिस की दूरदर्शी सोच भविष्य पर काफी प्रभाव डालेगा। बिहार में 25 साल बाद पुलिसिंग सेवा कैसी और क्या होगी, इस पर बिहार पुलिस ने काम शुरू कर दिया है। इसके लिए विजन डॉक्यूमेंट 2047 बनाने जा रही है। इसमें भविष्य की पुलिसिंग का न सिर्फ खाका तैयार किया जाएगा, बल्कि इसके लिए जरूरतों का आकलन कर उस पर काम भी होगा। डीजीपी एसके सिंघल की अध्यक्षता में हुई अंतर प्रभागीय बैठक में इसकी चर्चा हुई। बैठक के दौरान डीजीपी ने कहा कि दूरदर्शी सोच के दृष्टिकोण से विजन डॉक्यूमेंट को तैयार किया जाना चाहिए। साथ ही उन्होंने बेहतर पुलिसिंग और अच्छे परिणाम के लिए भी अधिकारियों को सुझाव दिए हैं।
पुरुषों से 9 महीने ज्यादा जीती हैं बिहार की महिलाएं। रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया कार्यालय के सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम की तरफ से जारी लाइफ टेबल रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है कि बिहार में पुरुषों से 9 महीने ज्यादा महिलाएं जीती है, लेकिन देश भर से तुलना किया जाए तो ये कम है। देश में महिलाएं पुरुष से 2.5 साल ज्यादा जीवित रहती है। वहीं बिहार के लोगों की औसत आय देश के औसत से 6 महीने कम बताई जा रही है। वहीं देश की राजधानी दिल्ली से तुलना करें तो बिहार के लोग औसतन 6.7 साल कम जीते हैं। आपको बता दें कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी के मुताबिक सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम के माध्यम से अनुमानित मृत्यु दर पर आधारित है, जिसमें पता चला है कि बिहार में महिला और पुरुषों की आयु में ज्यादा अंतर नहीं है। शिक्षा विभाग ने 42,000 नियोजित शिक्षकों के वेतन भुगतान का दिया निर्देश। छठे चरण में नियोजित हुए शिक्षकों का ऑनलाइन आंदोलन सफल हुआ और शिक्षा विभाग ने छठे चरण में नियोजित हुए 42,000 शिक्षकों के वेतन भुगतान का निर्देश जारी कर दिया है। इन शिक्षकों की परेशानी को देखते हुए शिक्षा विभाग ने तत्काल वेतन भुगतान करते हुए मार्च 2023 के वेतन भुगतान करने की बात कही है। मालूम हो कि सरकार जाति आधारित गणना 9 महीने में कराने वाली है। इसके लिए इन 42,000 नवनियुक्त शिक्षकों की जरूरत पड़ेगी। इसको देखते हुए भी सरकार ने जल्द वेतन भुगतान की तेजी दिखाई है। नहीं रहे लालू यादव को चांदी के सिक्कों से तौलने वाले पूर्व सिंचाई मंत्री। पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के शासनकाल में बिहार के पूर्व लघु सिंचाई मंत्री रहे योगेंद्र पांडे का बीती रात निधन हो गया। बताया जाता है कि योगेंद्र पांडे काफी लंबे समय से बीमार चल रहे थे। वो 88 साल के थे। बीती रात गोविंदगंज विधानसभा के लौरिया गांव में ही उनका निधन हो गया। उनके निधन से क्षेत्र में शोक की लहर है और अंतिम दर्शन के लिए सुबह से ही लोगों के आने का सिलसिला शुरू है। वहीं वो गोविंदगंज विधानसभा क्षेत्र से 1985 और 1990 में विधायक चुने गए थे। योगेंद्र पांडे सबसे ज्यादा चर्चा में आए तब थे जब उन्होंने तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू प्रसाद को चांदी के सिक्कों से तौल दिया था। ऐसा करने वाले वो बिहार के पहले मंत्री थे। उपेंद्र कुशवाहा ने बताया, लालू यादव के एक्टिव होने से जदयू पर क्या पड़ेगा असर। बिहार की राजनीति में राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने काफी लंबे समय के बाद सत्ता पक्ष पर तंज कसा है। इस तरह लालू यादव के बिहार की राजनीति में एक्टिव हो जाने से सियासी महकमे में हलचल भी है। इसको लेकर मीडिया से बातचीत के दौरान जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष से जब पूछा गया कि लालू यादव के एक्टिव होने से एनडीए पर कितना असर पड़ेगा, इस सवाल का जवाब देते हुए उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि आपको याद होगा हाल ही में तारापुर और कुशेश्वर स्थान में उपचुनाव हुआ, जहां लालू यादव भी प्रचार करने गए थे, लेकिन राजद को सफलता हाथ नहीं लगी। तो आप खुद समझ सकते हैं कि लालू यादव के सक्रिय होने से एनडीए पर कितना असर पड़ेगा। एमएलसी चुनाव के लिए भाजपा ने अपने 2 उम्मीदवारों के नाम का किया ऐलान। बिहार में विधान परिषद चुनाव के लिए नामांकन का दौर जारी है। बिहार की तमाम राजनीतिक पार्टियां जोर शोर से इसके लिए प्रचार प्रसार भी कर रही है। इस बीच आज भाजपा की तरफ से बिहार एमएलसी चुनाव के लिए 2 एमएलसी उम्मीदवारों हरीश साहनी और अनिल शर्मा के नाम का ऐलान कर दिया गया है। मालूम हो कि विधान परिषद में कुल 7 सीटें खाली हो रही हैं। इसके लिए जदयू और भाजपा ने 2-2 और राजद ने 3 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। राजद के उम्मीदवार नामांकन कर चुके हैं। हार्दिक पांड्या के भारतीय टीम में रोल को लेकर द्रविड़ ने दिया बयान। भारतीय टीम के हेड कोच राहुल द्रविड़ ने हार्दिक पांड्या के लीडरशिप क्वालिटी को लेकर बड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि हार्दिक ने आईपीएल में अपनी कप्तानी से सबको काफी प्रभावित किया, लेकिन इंडियन टीम में उनका रोल अलग रहने वाला है। हमें उनकी गेंदबाजी की क्या जरूरत है। राहुल द्रविड़ ने कहा कि हार्दिक की कप्तानी काफी शानदार रही, इसमें कोई शक की बात नहीं है। वो गेंद और बल्ले दोनों के साथ एक बेहतरीन क्रिकेटर है। भारत के लिए पहले भी उनका परफॉर्मेंस काफी अच्छा रह चुका है। हालांकि कई बार ऐसा होता है, जो रोल आप अपनी फ्रेंचाइजी के लिए निभाते हैं उसे अलग अलग रोल आपको अपनी नेशनल टीम के लिए निभाना पड़ता है। अलग अलग टीमों के लिए खिलाड़ियों की भूमिका अलग अलग हो जाती है। देश सहित राज्य भर में बढ़ रहे हैं कोरोना के मामले। देश भर में एक बार फिर से कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। भारत सरकार द्वारा जारी आंकड़ों से ये पता चलता है कि कोरोना के मामले देश भर में बढ़ रहे हैं। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ इंडिया द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटे में 5,337 नए मामले सामने आए और 7 लोगों की जान चली गई है। बड़ी बात यह है कि कल के मुकाबले कोरोना के नए मामलों में 41% का इजाफा हुआ है। वहीं बिहार में कोरोना एक्टिव केस की संख्या बीते दिन के पिछले 24 घंटे के आंकड़ों के अनुसार 79 है। वहीं राज्य में 86,738 सैंपल की जांच हुई, जिसके बाद राज्य में 15 नए कोरोना के मामले, जिसमें राजधानी पटना में सबसे अधिक 8 मामले मिले हैं। अररिया, खगड़िया, मधेपुरा, मधुबनी, समस्तीपुर, सीतामढ़ी और मुजफ्फरपुर में 1-1 कोरोना के मामलों की पुष्टि हुई है। 10वीं 12वीं के अभ्यर्थियों के अंक पत्र पर ही मिल जाएगी टर्म 1 और टर्म 2 के वेटेज की जानकारी। सीबीएसई के 10वीं और 12वीं के छात्र छात्राओं की टर्म 1 और टर्म 2 परीक्षा प्रपत्र के वेटेज की जानकारी प्राप्त करने के लिए ज्यादा माथापच्ची करने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि अब 10वीं और 12वीं के अंक पत्र पर ही इसकी जानकारी होगी। इसके अलावा 10वीं और 12वीं अंक पत्र पर इस बार ग्रेडिंग की जानकारी भी दी जाएगी। सीबीएसई बोर्ड के अनुसार अभी तक अंक पत्र पर विषयवार अंक की जानकारी दी जाती थी, इसमें हर विषय का कुल अंक अलग अलग दिया जाता था, लेकिन इस बार
अंक पत्र का विषयवार अंकों के अलावा विषयवार ग्रेडिंग दी जाएगी। इससे छात्रों को आगे नामांकन में मदद मिलेगी। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर ने हमारे सवालों का सही जवाब दिया है उनके नाम है सचिन कुमार, मृत्युंजय कुमार, नुन्नू कुमार, राजकुमार प्रसाद, कुलदीप कुमार, चंद्रदेव यादव, विकास कुमार, रंजीत यादव, सुनील कुमार, सोनी कुमारी। आप इसी तरह हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हर दिन वीडियो के अंत में आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, डायल 112 की सुविधा लोगों के लिए मददगार साबित होगी या नहीं? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।